रहमान रहीम। इस वीडियो में हम देखते हैं कुछ और मेथड जो हैं अल्कोहल को तैयार करने के, क्या कुछ और मेथड हैं। इसमें सबसे पहला मेथड है, हम अल्काइल हैलाइड से भी अल्कोहल को तैयार कर सकते हैं। अल्काइल हैलाइड से कैसे तैयार करेंगे कि अल्काइल हैलाइड को हम रिएक्ट करवाएंगे NaOH के साथ वाटर की मौजूदगी में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, ये एक अल्काइल हैलाइड है, इसको हम रिएक्ट करवाएंगे NaOH के साथ, साथ में हम वाटर यूज़ करेंगे और हीट भी प्रोवाइड करेंगे। जब हम ये चीज़ प्रोवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या है, रिएक्शन होगा और सिंपली ये जो आपके पास क्या है, ये यहाँ से निकल जाएगा और प्रोडक्ट आपके पास क्या बन जाएगी, और OH प्लस NaBr। इस तरह भी हम क्या है, अल्कोहल को तैयार कर सकते हैं, एक ये मेथड है। इसके अलावा हमारे पास क्या है, दूसरा मेथड हमारे पास क्या है, फ्रॉम अल्कीन। हम अल्कीन से भी इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। जब हम अल्कीन को क्या करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे, ठीक, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको रिएक्ट करवाएंगे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ H2SO4, ठीक है। इसके साथ हम इसको जब रिएक्ट करवाएंगे तो ये हमें क्या है, इथाइल, ये अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट देगा, अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट, मतलब ये आपके पास जो डबल बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा और इसके साथ ये ऐड हो जाएगा CH3CH2, ठीक है, OSO3H, ये आपके पास क्या है, ऐड हो जाएगा SO3H, इसके अंदर आपके पास क्या है, ऐड हो जाएगा। अब इसको जब आप क्या करोगे, वाटर के साथ वाटर की मौजूदगी में हीट करोगे, मतलब इस जो आपके पास अल्काइल, ये जो आपके पास इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट है, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट CH3CH2OSO3H, इसको जब आप क्या करोगे, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर की मौजूदगी में हीट अप करोगे, तो ये क्या है, अल्कोहल में तब्दील हो जाएगा CH3CH2OH, और यहाँ पे दोबारा आपको सल्फ्यूरिक एसिड हासिल हो जाएगा, ठीक है जी। ये भी एक तरीका है अल्कीन, एल्डिहाइड और कीटोन की रिडक्शन से भी हम क्या कर सकते हैं, अल्कोहल को प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है जी। तो जब हम एल्डिहाइड और कीटोन को रिड्यूसिंग एजेंट सोडियम बोरोहाइड्राइड की मौजूदगी में रिएक्ट करवाते हैं तो अल्कोहल बन सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं, एसिटाल्डिहाइड को रिएक्ट करवाते हैं, ये एसिटाल्डिहाइड है, ठीक है, सी डबल बॉन्ड OH, इसको हम क्या करवाते हैं, रिएक्ट करवाते हैं निकल PT, या हम क्या है, सोडियम बोरोहाइड्राइड यूज़ करते हैं, सोडियम बोरोहाइड्राइड यूज़ करते हैं और साथ में थोड़ी हीट देते हैं, तो ये क्या है, अल्कोहल में तब्दील हो जाता है। तो यहाँ से O जो है वो क्या हो जाता है, जो है वो तब्दील हो जाता है OH में, ठीक है। तो ये इस तरह भी आप अल्कोहल को प्रिपेयर कर सकते हो। ये जो अल्कोहल आपके पास बना है, ये अल्कोहल आपका प्राइमरी अल्कोहल है, ठीक है जी। ये कौन सा अल्कोहल है आपके पास, प्राइमरी। अगर आप इसी मेथड से सेकेंडरी अल्कोहल बनाना चाहोगे तो फिर आप कीटोन की क्या करवाओगे, कीटोन को ही इसी यही रिएक्शन करवाओगे कीटोन के साथ, ठीक है। तो मतलब अगर आप क्या करते हैं, एसीटोन ले लेते हैं CH3 C डबल बॉन्ड OCH3, ठीक है, यही कैटलिस्ट आप यूज़ करते हो, सोडियम बोरोहाइड्राइड, ठीक है, और या निकल या PT वगैरह आप यूज़ करते हो, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, टर्शियरी अल्कोहल बन जाएगा, ठीक है। CH3COH यहाँ पे बनेगा और ये आपके पास CH3 बन जाएगा और यहाँ पे H, इस तरह आप क्या कर लोगे, टर्शियरी अल्कोहल बना लोगे। तो ये कुछ मेथड है। एक मेथड है हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से भी हम क्या कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की मौजूदगी में कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं।